खंड। हाय एवरीवन, सुनीला प्राउड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारी गाड़ियां फंसी है, जो कि आपने अभी भी देखी है, तो आज गाड़ियां निकालनी है नीचे की तरफ। जो बरसात है वो थम ही नहीं रही है और हर जगह पे स्लाइड हो रहे हैं, और जो ये रोड है ना, ये भी स्लाइड होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखो क्रैक्स पड़े हैं और पीछे को ना थोड़ा सा रोड बचा है। अगर ये रोड चला गया तो हमारी गाड़ियाँ नहीं निकलेगी, तो इसलिए हम लोगों ने बहादुर लोगों को लगाया है आज मलबा साफ़ करने के लिए। तो मैं और संजू वहीं जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों की ही गाड़ियाँ फंसी है यहाँ पे। बाकियों ने तो निकाल दी थी, और कुछ हमारी तीन गाड़ियाँ फंसी है जो कि, और यहाँ पे ना तोते हैं चूल्ही को खा रहे हैं। तो तीन गाड़ियाँ तो पीछे फंसी है क्योंकि जो रोड है हमारा उसके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्लाइड हुआ है, तो जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ है वो गांव में ही फंसी है। तो हमने सोचा कि चलो एक जगह मलबा पड़ा है उसको हटा देते हैं, तो आराम से गाड़ियाँ निकाल देंगे सड़क के लिए। अरे आगड़ी हंड पछड़ी हंड, आजकल ना ऊपर से ढांग गिरने का डर रहता है। तो हमने सोचा कि हम भी देख लेते हैं ज़रा कितना मलबा वो निकालेंगे और कहाँ तक निकालेंगे। तो अभी मैं आपको वहीं ले चलूँगी जहाँ पे वो स्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ रुकी है और पूरे गांव का जो आवाजाही वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो है उधर साइड, तो दिखाते हैं। तो एक लस्सा यहाँ पे आया था जो कि इन्होंने कर दिया है, मतलब उतनी जगह खुलवानी है हम लोगों ने जितनी जगह गाड़ी लेती है, तो बहादुर लोग उतनी ही निकाल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा तो कहाँ निकाल पाएंगे वो भी। हंसी मजाक हो रहा है भाई। कुंजो डेविड कौन है नीचे, गाड़ी निकल जाएगी। इश, ये तो पूरा ही करना पड़ेगा डेविड है ना। ऊपर से तो ठीक है ना, ऊपर से तो ठीक है जी। देख के आए तुम लोग, ऊपर तो नहीं देखा जी हमने। नहीं तो देखना चाहिए था ना, कहीं स्लाइड ना हो, दरारे वगैरह। हे भगवान, अरे और लाई पर को जाने दो। नीचे कौन है फिर, नीचे वो कहाँ है लकी। ओहो, अयो यार, जे वो तम बोले थे ना, जो दौकी जो जा पूरो ही गढ़ नो। मैं बोल रही हूँ उनको ना कि नीचे डाल दो सारा मलबा, ये याद ही नहीं है कि वहां से कैंची से होके हमारी गाड़ियां वहीं जाएंगी सड़क में। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा आज का, तो इनका पूरी दिहाड़ी यहीं पे ही लगेगी पूरा दिन। तो मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं हेल्प, तो हम भी करेंगे थोड़ी बहुत हेल्प। यार तुम हो ना, सुनो वो भी डेना तुम देखी दार मत भी कई, ओ दिमाग ला करके ही हुदी पड़ो जो ताबा ते ये दूजो। और बारिश भी शुरू हो गई, कमला चलेगी शमशान घाट। चलो तो हम भी वहीं चलेंगे। हाँ अब तो रुक गया मौसम, पर स्लाइड ना लगनू यार सारे दे हों दो। कमला ये देखो नीचे गया है बेचारी, ये भी छाया ढूंढ रही है, छत्र छाया बारिश से बचने के लिए। संजू भी जा रही है परे। भगवान, वो देखो ना यहाँ ना न्यू शमशान घाट बन रहा है, और
कमला चले गई है अपने आप को बचाने के लिए शमशान घाट में। ओ कमला कहाँ पहुंची? ये देखो यहाँ देखना नदी है, अगर नदी भर के आई तो, अगर नदी भर के आई फिर इधर को नदी नदी। बारिश हो गई है कम कम, उस नीचे यहाँ रहेंगे इसके नीचे नोड़ पा रहे। कमला लगी है अपने फोन में। ओ ये देखो स्लाइड वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे भी स्लाइड आया, वो देखो बहुत ज़्यादा स्लाइड आया हाँ, दो जगह में आया हुआ है, एक जगह तो यहाँ पे आया हुआ है ना यहाँ पे, और दूसरी जगह देखो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे स्लाइड है, ऊपर से आया हुआ ये पेड़ जरा, और जितने में पेड़ नीचे पहुँचे उतने में टूट गए सारे, चकनाचूर हो गए पेड़ का। मौसम खुल गया है और अब बच चुके हैं एक, तो थोड़े थोड़े भीगे हम भी, नहीं भीगे उतने ज़्यादा। तो हमारे जो बहादुर लोग हैं वो भी आगे हैं रोड से ऊपर, वो वहाँ पे जो ये वाला पेड़ है ना, ये वाला ये इस पे लगे हुए हैं, और मैं और संजू भी आए और आज ना मुँह ऐसा काला दिखाई दे रहा, क्या क्या करना पड़ रहा है यार, है ना, अगर टाइम से निकाल देते ना उस टाइम गाड़ियों तो ये नौबत नहीं आ जानी थी। और एक तो रिस्क भी बहुत है क्योंकि ऊपर भी, ऊपर से स्लाइड होने का भी खतरा रहता है, तो वो चलो निकाल रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि जो बहादुर लोग होते हैं ना उनको एक्सपीरियंस होता है ऐसे ऐसी चीज़ों को निकालने का, और हम वैसे भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो देखते हैं ज़रा कब तक पूरा होगा और कितना होगा। पहले हम भी यहाँ पे खड़े थे, हाँ यहाँ पे थे, यहाँ भीग रहे थे हम, यहाँ गुस्तियाँ देखो पानी में चल रही, देखो ऊपर से कहाँ से आ रहा है, जाए बुरे नहीं हाँ। तब ठीक है यार, उसमें भीगी मैं परे, तू तो गई हुई शमशान घाट में अंदर, हमारे को लगा डर उधर नहीं, उधर से नहीं लगा, शमशान घाट से डर नहीं लगा, जो नदी है ना वहाँ, तो कभी ऊपर से बाढ़ आएगी तो उधर मुड़ गई तो इधर है, सच में इसका चूरा बनेगा, पर को डाल देते तुम ना इसको, तब ठीक था। सुनो हे मेरे लुगा, बस लात पैर से मारो इसको, ऐसे मत, तुम खुद नहीं जाना नीचे, बस 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 भगवान, सच में ये तो चूरा बन गया, सच में बन गया ये तो चूरा, ये कच्चा पत्थर है ना, अच्छा कच्चा है, साइड में रखो क्या, हाँ ये तो सारा नीचे तो 10 मिनट का काम है, ये जो ना जो जाइन हुई मान पाए, बेशक ऊंचा रहेगा यहाँ से ना, अगर ऊंचा रहेगा नहीं यहाँ तो पानी भी नहीं रुकेगा, है ना, अगर यहाँ से ऊंचा रहेगा ना तो पानी भी नहीं रुकेगा, ऐसे जाएगा पानी पूरा भी, ओ ये पूरे पार्क को खांदे नहीं तो, और जो ये पार वाला रोड है ना इसमें डालना ये सारा, तब रोनो जो खड़ो खड़ो आनो ना, तो पानी नहीं रुकेगा फिर, नीचे से निकालूं पहले, संजू भी लगी है और मुझे भी लगना पड़ेगा, ये बात बता रहा हूं।
हमारा रोड तो ठीक है ना, ये तो आज तो ठीक हो गया, परे को रहा परे को जो है बा परे को है, परे को तो पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा, परे को 2 साल ही लगे, 5 साल लगी, साल ही लगी सच में ना, साल लगी वो तो। हां तो ये तो खैर मड़ुआ ही था, हां मड़ुआ था ये तो ना, निकल गया निकल गया। अब दिखाती हूं मैं मलवा। अब हम लोगों ने कर दिया है इसको बिल्कुल ठीक, मतलब गाड़ी निकालने लायक तो बन चुका है ये रोड अभी, और हमने खुद भी काम किया है। अभी मैं हाथ धो के आई, ऑलमोस्ट ये हो गया है। अब ये बड़ा पत्थर रहा भाई यहाँ पे, कितना टाइम लगाया भाई तुमने? कितने? 4? 4 तो नहीं है ना? वेट। हाँ हाँ क्या तुमने नीचे नीचे तो नहीं डालना? बैलेंस हाँ धक्का आ गई है गाड़ी। भगवान जी, तो हमारी गाड़ियाँ निकल चुकी है और टेंशन के मारे वीडियो नहीं ले पाई मैं। टेंशन क्या मतलब, रिस्क था यहाँ पे ना, गाड़ी का रिस्क था और जिसकी वजह से हमारा ध्यान केंद्रित था गाड़ी के ऊपर, तो शुक्र है गाड़ियाँ निकल गई है। तो अब चलो बाबा तोड़ कर आ जाए बाबा, चलो अब चलते हम घर। मुश्किल हाँ, तो अभी ना टेंशन क्या मतलब होता है ना, दिल इतना जैसा हो जाता है। तो हमारा भी जब गाड़ियाँ निकली थी यहाँ से तो दिल इतना जैसा हो गया था और ब्रेन ना बिल्कुल वॉश हो गया था कि वीडियो भी लेनी है या कुछ इस तरह से करना है, तो वीडियो नहीं ले पाई मैं जब हमारी गाड़ियाँ निकली, तो क्योंकि हमारा जो ध्यान था वो केंद्रित उसी के ऊपर था, किसी के बारे में नहीं सोच रहे थे हम उस टाइम, सिर्फ गाड़ी के बारे में सोच रहे थे कि गाड़ियाँ निकल जाए। तो गाड़ियाँ निकल गई चुंगारे से बेल चुग ही छुट्टी था तही तो नहीं कहाँ छुट्टन। तो थैंक गॉड हमारी गाड़ियाँ निकल गई और मौसम भी अभी धूप लग गई है, तो अब हम घर जा रहे हैं इतना रिस्क लेने के बाद। तो इसके साथ ही करती हूँ मैं आज की वीडियो का दी एंड। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।